बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो वीजा भी ग्रांट हुए हैं, उनको अपॉइंटमेंट में भी कोई इशू नहीं आया, ना वीजा प्रोसेस में इशू आया। इवन के 2024 में जो है इस कंट्री का वीजा रेशियो जो है वो 98% रहा है। 50-60% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है, यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ही रीजनेबल और अफोर्डेबल है। किसी किस्म की आपको यहाँ पर झंझट का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही किसी किस्म की आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दी जाती है, इरास्मस मंडस जैसी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप में आपको ये बेनिफिट होता है कि आप अपनी जो डिग्री है वो दूसरी किसी कंट्री की किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जाके कंटिन्यू कर सकते हैं। बट प्रोसेस फॉर दिस कंट्री इज रिक्वायर्ड पेशेंस, क्योंकि जरा थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। इसके अलावा आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी योर होस्ट मोहम्मद तल्हा बट फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस वीजा कंसल्टेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। वेलकम करता हूँ आपको आज की इस न्यू पॉडकास्ट सेशन के साथ। आज का हमारा ये पॉडकास्ट सेशन बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरे साथ मौजूद है आज मिस अनम। आज का हमारा पॉडकास्ट सेशन जो है वो स्पेशली उस स्टूडेंट्स के लिए है जो पाकिस्तान से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं। स्पेशली यूरोप में स्टूडेंट्स को क्या स्ट्रेटजीज रखनी चाहिए ताकि फर्दर उनको वीजा प्रोसेस में और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड किसी भी किस्म की डिफिकल्टीज का सामना ना करना पड़े और वो उन डिफिकल्टीज को अवॉइड कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम उन टॉप 5 कंट्रीज को डिस्कस करने वाले हैं जिनमें आपको वीजा के प्रोसेस से रिलेटेड डिफिकल्टीज नहीं होंगी, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड किसी भी किस्म की डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना कर सके, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर न्यू है तो काइंडली हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जी व्यूअर्स, हमारे साथ आज मौजूद है मिस अनम। मिस अनम से बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी वो टॉप 5 कंट्रीज जो है वो आज बताने वाली हैं जिसके हवाले से जो है स्टूडेंट्स को वीजा प्रोसेस में और अपॉइंटमेंट्स में इशू नहीं आते हैं। तो जी मिस, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। तो मिस, हमारे स्टूडेंट्स को आज बताएं आप कौन सी वो टॉप कंट्रीज लेके आई हैं स्टूडेंट्स के लिए जिनमें उनको वीजा प्रोसेस से रिलेटेड और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इशू नहीं होता, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारी स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही हैं, उनको वीजा प्रोसेस से रिलेटेड और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो है वो बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज का पॉडकास्ट सेशन जो है वो हम इस टॉपिक पे रखें कि हम स्टूडेंट्स के साथ वो टॉप 5 कंट्रीज शेयर करें जिनके वीजा के प्रोसेस में उनको इशू ना आए और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड उनको किसी भी किस्म की डिफिकल्टीज का सामना ना करना पड़े। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं हमारे पास आज कौन सी यहाँ पर फर्स्टली कंट्री है उनके लिए। जी सर, आपने बहुत अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही थी कि उनको वीजा प्रोसेस और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज पेश आ रहे थे। तो आज हम कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में बात करेंगे जिनका वीजा प्रोसेस और अपॉइंटमेंट बहुत ही इजीली मिल जाती है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास सबसे पहला जो कंट्री आता है वो है फिनलैंड। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिनलैंड एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, नॉर्डिक कंट्री है जो कि नॉर्दर्न यूरोप में आता है। इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो आपका इसका प्रोसेस UAE से करवाना पड़ता है। सबसे पहले आप VFS ग्लोबल के थ्रू फिनलैंड के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे, फिर आप दुबई का विजिट वीजा लेके दुबई जाएंगे और वहाँ पे फिनलैंड की एम्बेसी से अपना प्रोसेस करवाएंगे। आपके इस प्रोसेस को 2-3 महीने लग जाते हैं। यहाँ पे आपकी वीजा फी भी होती है जो कि 350 यूरो तक होती है और आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है जो कि 6,720 यूरो होती है। इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती, आपको दुबई का विजिट वीजा भी इजीली मिल जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि फिनलैंड क्यों चूज करना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स, आपको फिनलैंड इसीलिए चूज करना चाहिए क्योंकि यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत अच्छी है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन दी जाती है स्टूडेंट्स को, टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज आपको मिलती है जहाँ पे आप मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ एडमिशन ले सकते हैं। 60-70% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं एडमिशन के लिए और आपको वैरायटी ऑफ इंग्लिश टॉप प्रोग्राम मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। 2 तरह की स्कॉलरशिप होती है, अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अगर आपका CGPA 3 या 3 से ज्यादा है और आपके पास IELTS है जो कि 5.5 बैंड से लेके 6.5 बैंड तक है तो आपको स्कॉलरशिप इजीली मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ की यूनिवर्सिटीज की जो ट्यूशन फी है वो 4,000 यूरो से लेके 18,000 यूरो पर ईयर तक रेंज कर सकती है और MBBS में आपकी ये ट्यूशन फी 25,000 यूरो पर ईयर तक रेंज कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम डेट, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी जॉब्स अवेलेबल होती है। स्टूडेंट्स को लीगली 30 आवर्स अलो होता है जॉब करना, जिससे स्टूडेंट्स इजीली 900 यूरो से लेके 1,300 यूरो पर मंथ कमा लेते हैं। इसके अलावा यहाँ की लिविंग कॉस्ट भी बहुत ही रीजनेबल है,
आपको 700 यूरो से लेकर 900 यूरो तक लिविंग कॉस्ट आती है, जिसमें आपकी फूड, अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन शामिल होती है। जी बिल्कुल, जैसा कि मिस अनम ने बताया कि आपको इस कंट्री का जो प्रोसेस है वो यूएई से करवाना होता है, क्योंकि पाकिस्तान में इस कंट्री की एम्बेसी नहीं है, तो आपने वीएफएस ग्लोबल के थ्रू इस कंट्री के वीजा के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है और यूएई के विजिट वीजा पे यूएई जाकर इस कंट्री की एम्बेसी से जो है वो अपना वीजा प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। इसके अलावा जो हमारे पास कंट्री है फ्रांस है, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है, जो कि वेस्टर्न यूरोप में आती है। इस कंट्री का भी वीजा प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल और इजी है, अपॉइंटमेंट का इशू नहीं रहता। इवन के 2024 में जो है इस कंट्री का वीजा रेशियो जो है वो 98% रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो वीजा ग्रांट भी हुए हैं, अपॉइंटमेंट में भी इशू नहीं आया है, उनको इजीली अपॉइंटमेंट्स भी मिल गई हैं। तो इस वक्त फ्रांस जो है वो बहुत अच्छी वीजा रेशियो रख रहा है, बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट्स जा रही है फ्रांस की भी। अब फ्रांस का प्रोसेस क्या होता है कि फ्रांस के प्रोसेस के लिए आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल जो है वो एजी के ऑफिस जमा करवानी होती है। एजी के ऑफिस जमा करवाने के बाद आपको वहीं से अपॉइंटमेंट मिलती है, जिस डेट की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है उस डेट पे आपने जाना होता है, आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है, आपका बायोमेट्रिक्स हो सकते हैं। तो ये सारा होने के बाद जो है वो आपका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है कि आपको वीजा ग्रांट कर दिया जाता है। इसके अलावा फ्रांस ने यह भी डिसाइड किया है कि 2025 इंटेक के लिए जो वो 20,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो बुलाएंगे। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इस लिहाज से भी यहाँ पर बहुत बेनिफिट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी खूबसूरत कंट्री है, विजिबल कंट्री है यूरोपियन यूनियन की, आपको शेंजन वीजा मिलता है और आप उस शेंजन वीजा की बेस पर जो है वो 29 अदर यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इजीली ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड वीजा फ्री। इसके अलावा इस कंट्री की अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो एज यूजुअल यूरोप की जिस कंट्री की भी आप बात कर लें, आपको यूरोप के अंदर हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड की जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। हर कंट्री का जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा होता है, यहाँ की स्टडी कॉस्ट जो है वो बहुत ही लोएस्ट है, आपको यहाँ पर टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन इजीली मिल जाते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ आप यहाँ की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। 60-70% आपको मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसके अलावा जो है वो आईएलटीएस जो है वो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड नहीं होता, बट कुछ कोर्सेज के लिए आपसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट की जा सकती है जो कि 5.5 बैंड से लेके 6.5 बैंड तक हो सकती है। इसके अलावा आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्यूशन फीस की बात करें तो यहाँ की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ट्यूशन फीस जो रेंज करती है वो 1000 यूरो से लेके 4000 यूरो पर ईयर तक रेंज करती है। इसके अलावा ऑब्वियसली सी बात है, जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएंगे तो आपकी फीस जो है वो बढ़ जाएगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो आपकी ट्यूशन फीस रेंज करती है वो 3000 यूरो से लेकर 30000 यूरो पर ईयर तक जा सकती है, जो कि टोटली डिपेंड करती है आपके सिलेक्टेड प्रोग्राम पर और आपकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी पर। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है, यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ही रीजनेबल और अफोर्डेबल है। 700-900 यूरो पर मंथ आपकी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है पर मंथ की, जिसमें आपका अकोमोडेशन, आपकी फूड और आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो शामिल होती है। मोरओवर जब आपकी स्टडीज कंप्लीट हो जाती है तो आफ्टर स्टडीज आपको यहाँ पर जो है वो पीएसडब्ल्यू मिलता है 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक का, जिसको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी कहते हैं, जिसमें आप अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। नॉट ओनली इन फ्रांस, आप दूसरी कंट्रीज में जाके भी अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओवरऑल जो हमारी आज की वीडियो का जो बेसिक टॉपिक है, जो स्पेसिफिक टॉपिक है, वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साल गए हैं फ्रांस, क्योंकि इस साल फ्रांस की वीजा रेशियो बहुत अच्छी रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो वीजा भी ग्रांट हुए हैं, उनको अपॉइंटमेंट में भी कोई इशू नहीं आया, ना वीजा प्रोसेस में इशू आया। बैंक स्टेटमेंट जो आपको इस कंट्री के लिए रिक्वायर्ड होती है वो भी बहुत नॉमिनल सी है, आपको 8000 यूरो से लेकर 12000 यूरो तक की जो है वो बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है। इसके अलावा फ्रांस में आपको स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत सारी मिल जाती हैं, आप इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, आईफेल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप भी है। इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप में आपको ये बेनिफिट होता है कि आप अपनी जो डिग्री है वो दूसरी किसी कंट्री की किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जाके कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाती है स्पेन, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है, साउथ वेस्ट यूरोपियन कंट्री है। इस कंट्री का प्रोसेस भी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, आपको किसी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी होती, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं आपने सिंपली एम्बेसी जाना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने यहाँ पर जो है वो ट्रांसलेट करवाना होता है स्पेनिश लैंग्वेज में, जो कि बहुत जरूरी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को यहाँ पे इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बनाना होता है कि क्या जिस डिग्री के लिए वो स्पेन जा रहे हैं, जो उन्होंने प्रीवियस एजुकेशन यहाँ से हासिल की है वो एजुकेशन जो है वो वहाँ की एजुकेशन के इक्वल है। तो इस तरह सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है, किसी किस्म की आपको यहाँ पर झंझट का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही किसी किस्म की आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। सिंपली जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है सिंपली एम्बेसी में लेकर जाएं। इसके अलावा स्पेन जो है वो बहुत अच्छी कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है, आपको जरूर इन कंट्रीज को जो है वो ऑप्शन पर रखना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ आपको इन कंट्रीज की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाते हैं। 60-70% आपको यहाँ पे मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं,
IELTS यहाँ पे ऑप्शनल होता है, आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो आपसे IELTS की रिक्वायरमेंट कर सकती हैं, जो कि 5.5 बैंड से लेके 6.5 बैंड इवन के 7 बैंड तक भी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फीस है वो बहुत ही मिनिमम है, जो कि रेंज करती है 500 यूरो से लेके 1500 यूरो पर ईयर तक। इसी तरह जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी वहां पर फीस ज्यादा होगी, जो कि 20,000 यूरो पर ईयर तक भी जा सकती है, जो कि टोटली डिपेंड करती है आपकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी और आपके सिलेक्टेड प्रोग्राम के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर कंट्री की तरह आपको इस कंट्री में भी स्कॉलरशिप्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके बेनिफिट्स ये होते हैं कि आपकी ट्यूशन फीस जो है वो टोटली वेव्ड ऑफ हो सकती है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिल सकता है, फ्री अकोमोडेशन मिल सकती है और हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकती है। फिनलैंड की तरह इस कंट्री में भी आपको 30 आवर्स पर वीक जॉब करना अलाउ होता है, आप 30 आवर्स यहाँ पे लीगली वर्क कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं पर मंथ की, आप 1500 यूरो से लेके 2500 यूरो पर मंथ तक की बहुत इजीली अर्निंग कर लेते हैं, जिससे आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को भी खुद से इजीली बेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ही मिनिमम है, 600 यूरो से लेके 800 यूरो पर मंथ तक के अंदर आपका अच्छे से गुजारा हो जाता है, जिसमें आपका अकोमोडेशन, आपकी फूड, आपकी ट्रांसपोर्टेशन और यूटिलिटीज शामिल है। बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट आपने यहाँ पे जो है वो 10,000 यूरो तक की शो करवानी होती है। इसके अलावा आपने यहाँ पे अपनी रिमेनिंग फीस और अपने लिविंग एक्सपेंसेस शो करवाने होते हैं 600 यूरो पर मंथ के हिसाब से एक साल के। जी बिल्कुल सर, इसी तरह हमारे पास फोर्थ नंबर पे आती है लिथुएनिया। स्टूडेंट्स को ये कंट्री इसीलिए चूज करनी चाहिए क्योंकि यहाँ की अपॉइंटमेंट बहुत इजीली मिल जाती है। ठीक है। इसका प्रोसेस भी सेम फिनलैंड की तरह है। ठीक है। आप दुबई, टर्की या अज़रबैजान के थ्रू करवा सकते हैं इसका प्रोसेस। ठीक है। सबसे पहले आपने VFS ग्लोबल के थ्रू लिथुएनिया की अपॉइंटमेंट लेनी होती है। ठीक है। उसके बाद आप दुबई, टर्की या अज़रबैजान की विजिट वीजा पे जाके लिथुएनिया की मैसेज से इसका प्रोसेस करवा सकते हैं, और लिथुएनिया का जो वीजा रेशियो है वो 99% है, तो आपको इजीली इसका वीजा मिल जाता है। सही। इसकी जो वीजा फी है वो 80 यूरो है। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है, जो कि 6,000 यूरो से लेके 8,000 यूरो तक होती है। आप डायरेक्ट इस कंट्री के TRP के लिए अप्लाई करते हैं। बिल्कुल, मैंने भी इस चीज पे रिसर्च की थी, मैंने देखा भी था, खैर मेरी भी और फर्दर जो है इस कंट्री से रिलेटेड वीडियोस काफी बनी हुई है। तो इस कंट्री के लिए स्टूडेंट जो है वो UAE, अज़रबैजान या टर्की से जाकर वीजा प्रोसेस करवाते हैं। इस कंट्री के आप डायरेक्ट TRP के लिए अप्लाई करते हैं, जिसको हम यहाँ पर वीजा कह रहे हैं। TRP टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट होता है। टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट अप्लाई करते हुए इनके अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही हो, कोई मुश्किल आ रही हो किसी भी किस्म की प्रोसेस से रिलेटेड, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपको बहुत गाइड करती है, आपकी काफी हेल्प करती है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी कंट्री है, यहाँ के यूनिवर्सिटीज और यहाँ के लोग आपकी बहुत हेल्प करते हैं हर स्टेप पे। इसके अलावा जो लिथुएनिया है वो यूरोपियन यूनियन में आता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाती है। इसके अलावा यहाँ का क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आपको टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज मिलती हैं। आप मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 50 to 60% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है। यहाँ की जो ट्यूशन फी है वो कोर्स टू कोर्स वेरी करती है। ठीक है। जो कि बैचलर्स में आपकी ट्यूशन फी 3,000 यूरो से लेके 5,000 यूरो तक रेंज करती है, और यही ट्यूशन फी आपकी मास्टर्स में 4,000 यूरो से लेके 9,000 यूरो पर ईयर तक रेंज करती है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दी जाती है, इरास्मस मंदस जैसी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, जिसमें आपको डिफरेंट कंट्रीज में पढ़ने का मौका मिलता है, आपकी नेटवर्किंग बनती है जो कि आपको फ्यूचर में बहुत फायदा देती है। मोरओवर यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब करना भी अलो होता है, 40 आवर्स अलो होता है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज में 20 to 30 आवर्स अलो होता है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स को 40 आवर्स अलो होता है, जिससे आप अच्छा खासा अर्न करके अपने मंथली एक्सपेंस को खुद से अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है वो 500 यूरो से लेके 600 यूरो तक आती है, तो इस तरह आप पार्ट टाइम जॉब करके अपनी ये लिविंग कॉस्ट को इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसी तरह लास्टली हमारे पास यहाँ पे आती है ऑस्ट्रिया, जो कि एक यूरोपियन लैंडलॉक कंट्री है, बहुत अच्छी और खूबसूरत कंट्री है, आप इस कंट्री को भी ऑप्शन पे रख सकते हैं। ऑस्ट्रिया की एक चीज बहुत अच्छी है जर्मनी की तरह, कि यहाँ की ट्यूशन फीसेस जो है वो बहुत लो है। टॉप 800 रैंकिंग की आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, जिसमें आपकी जो ट्यूशन फीस जो है वो रेंज करती है 800 यूरो से लेके 3000 यूरो तक। इसके अलावा आपको यहाँ पे 3 टाइप्स की जो है वो स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं, जो कि एज यूजुअल हर कंट्री की तरह सेम होती हैं। यहाँ की गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स होती हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटीज की अपनी स्कॉलरशिप्स होती हैं, और इसके अलावा यहाँ की फाउंडेशन और ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आपको स्कॉलरशिप्स ग्रांट की जाती हैं, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस जो है वो फुल्ली और पार्शली वेव्ड ऑफ हो सकती है, आपको फ्री अकोमोडेशन मिल सकता है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकती है, इवन कि आपको यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड भी मिल सकते हैं, जो कि रेंज करता है 1000 यूरो से लेके 6000 यूरो पर मंथ तक का। मार्क्स की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे बहुत कम है, मिनिमम 60 to 70% आपको मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, 60 to 70% मार्क्स में आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। IELTS यहाँ पे एज यूजुअल ऑप्शनल है, आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इन सम केसेस आपसे यहाँ पे IELTS की रिक्वायरमेंट की जा सकती है, जो कि 5.5 बैंड से लेके 6.5 बैंड तक हो सकती है। यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत रीजनेबल और अफोर्डेबल है, जो कि रेंज करती है 800 यूरो से लेके 1300 यूरो पर मंथ तक की।
जो कि टोटली डिपेंड करती है आपकी लिविंग लाइफस्टाइल पे और आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स पे। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है वो पार्ट टाइम जॉब भी करना अलाउ होता है, जिसमें आप 500 यूरो से लेकर 2000 यूरो पर मंथ तक की बहुत इजीली अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अपने मंथली एक्सपेंसेस को जो है वो खुद से बेयर कर सकते हैं। इस कंट्री के प्रोसेस की बात करूं तो इसका प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान से ही होता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया की एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में है। बट इस कंट्री का प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि फर्स्टली आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज्ड और वेरीफाइड करवाना होता है, जिसमें आपको 3 से 4 माह लग जाते हैं। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी कंट्री की जो वो लोकल अथॉरिटीज है उनसे अटेस्टेड होने चाहिए, लाइक HEC, IBCC, MOFA से अटेस्टेड हो। इसके अलावा आपने वही तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑस्ट्रिया की एम्बेसी से लीगलाइज करवाने हैं, वेरीफाइड करवाने हैं, जिसमें आपको 3 से 4 माह लग सकते हैं। सो ओवरऑल इस कंट्री का जो वो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है दूसरी कंट्रीज की तरह, बट प्रोसेस फॉर दिस कंट्री इज रिक्वायर्ड पेशेंस, क्योंकि जरा थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। बैंक स्टेटमेंट की बात करूं तो बैंक स्टेटमेंट के लिए इस कंट्री का रूल है, अगर आपकी एज जो है वो 24 साल से कम है तो आपने यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है वो रेंज करती है 7 से 10,000 यूरो तक की। इसके अलावा अगर आपकी एज जो है वो 24 ईयर से ज्यादा है तो आपने यहाँ पे 14,000 यूरो की जो है वो बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो टॉप 5 कंट्रीज की जिनके वीजा प्रोसेस जो है वो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड से है, जिनके अपॉइंटमेंट के इश्यूज नहीं आते। तो आप इन 5 कंट्रीज को जो है वो ऑप्शंस पे जरूर रखा करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप तक राइट और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी। मजीद इस तरह की हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।